आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रितु शर्मा। इस समय हम बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। कल शाम को एक लाइव करके बताया था कि एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो ज्वाइन करने वाला है, काफी ज्यादा अपने वर्कर्स के साथ में, कहीं और नहीं बल्कि बीजेपी में। और इस समय वो चेहरा जो है वो बिल्कुल सामने है, अपने वर्कर्स के साथ में पहुंच गया है। ढोल नगाड़े यहाँ पर बजने शुरू हो गए हैं। बात की जाए सुरेंद्र चौधरी की, तो सुरेंद्र चौधरी इस समय बीजेपी जो है वो अब ज्वाइन करने वाले हैं। आखिरकार हेलो रति, आई कैसी चौधरी साहब? चौधरी साहब आपसे जानना चाहते हैं, चौधरी साहब आपसे जानना चाहते थे, आपने कहा था कि जनता के हित के लिए हमेशा आगे रहेंगे, तो क्या लगता है आज जनता के हित के लिए बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं? अभी मैंने थामा नहीं भैया, मुझे खड़ा तो होने दो। मैं बार बार कह रहा हूँ जब 10-15 मिनट ठहर जाओ, उसके बाद जो फैसला होगा फिर आप लगता है अभी भी फैसला चेंज होने की राह है। नहीं, ये मार्केट का रास्ता है, आम त्रिकुटा नगर का रास्ता है। हम यहाँ से 100 बार, मेरा बचपन यहाँ से बीता है। मुझे आप मत कहना, मेरा जब कॉलेज टाइम पड़ता है तब नवरात्रों में आप बताएंगे वही बात। मैंने परसों आपको कहा था नवरात्रों को 2 दिन ठहर जाइए, तो दिन आ गया है, तो अब थोड़े आपने कहा अभी थोड़ा टाइम है, अभी माना जा सकता है, होगा या नहीं होगा? ठंड रखो, ठंड सब कुछ दसांगा, ठहरो तो सी थोड़ा जा, जिन्ना इतना वेट अगर साल वेट किया तो 2 मिनट और कर लो। आम जनता ने आपने कहा था जब भी आम जनता जो बोलेगी मैं वो करूंगा। नौशहरा की समय सोच क्या कह रही है, नौशहरा के लोग क्या कह रहे हैं? नौशहरा के लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुरेंद्र चौधरी को लीडर बनाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरे दुख और सुख के साथी रहे हैं। तो लिहाजा ये तो आज चंद लोग आए, हजारों की तादाद में लोग नौशहरा खड़े हैं जो जब हमें नौशहरा जाऊंगा जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हजारों में लोग जो है वो आएंगे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं जो इस समय ज्वाइनिंग डाल रहे हैं। पर इसके बाद की अगर बात की जाए, नौशहरा में भी काफी ऐसे लोग खड़े हैं जो ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस समय अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, सभी तैयार हो रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बोला जा रहा है थोड़ा आप भी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। क्या सोच रहे हैं बीजेपी में ज्वाइन करके क्या करने वाले हैं? हम सुरेंद्र चौधरी साहब के साथ आए हैं। मैं दर्शन पेंचू पंचायत लड़ोका वार्ड नंबर 7 से पेंचू। हम चौधरी साहब के साथ हैं, जहाँ भी जाए, जिस मर्जी पार्टी में जाए, हम उनके साथ हैं, पूरी जिंदगी उनके साथ हैं, पूरी जिंदगी उनके साथ रहने वाले हैं। आप भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, आ गए हम बीजेपी में। विकी शर्मा नाम है मेरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ। आज हमारा खुशी का मकाम है कि सुरेंद्र चौधरी जैसे पार्टी में हमारे में शामिल होने जा रहे हैं। मैं माध्यम की तरफ से आपकी न्यूज के माध्यम की तरफ से उनका तय दिल से धन्यवाद करूँ। हेडक्वार्टर सामने रविंदर राणा जी के साथ सामने वो ज्वाइन होने जा रहे हैं, इससे खुशी का मकाम है। निशाला वासियों को कुछ नहीं, थैंक यू। ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्द, अगर बात की जाए बीजेपी का फ्लैग लगा लिया, बीजेपी में है या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? मैं 80 मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी 80 मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं। वो सुरेंद्र चौधरी जो पीडीपी से ज्वाइन देकर वो हमारी पार्टी में शामिल हुए, ये सब उनका वेलकम करने के लिए आए जहाँ लोग मौजूद हैं, और पूरा निशारा से जम्मू से लोग यहाँ पे आए चौधरी जी का वेलकम करने के लिए और हम उनके साथ हैं। लग रहा है कितना बड़ा बीजेपी को फायदा होगा सुरेंद्र चौधरी जी का इधर आना। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, चौधरी जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से जो लोगों को फायदा होगा ये आप कुछ दिनों बाद देख लेंगे कि क्या फायदा होने वाला है। चौधरी साहब एक ईमानदार और अच्छे लीडर हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सेप्ट किया, आज भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद। ढोल नगाड़े बजाने की स्वागत जो है उनका किया जा रहा है जी, ढोल नगाड़े बजा कर स्वागत किया जा रहा है। देखो ये सबके सामने आज पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी सब ढोल नगाड़े के साथ इनको आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे ईमानदार लीडर है, इसलिए इनका वेलकम कर रहे हैं। जोर शोर से देख रहे हो आप, बॉर्डर से लोग आए यहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए, क्यों आए हैं? क्योंकि वो अच्छे लीडर है, अच्छा इंसान है, वो अच्छे लीडर है, इसलिए उनका वेलकम करने के लिए सब लोग यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ आए हैं। बॉर्डर के लोग इस समय यहाँ पहुँच रहे हैं। सरपंच जी क्या हाल है, आप भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ हमारे जो साहब हमारे नेता जाएंगे हम उनके छत्र छाया में हमेशा हम उनके साथ। लग रहा है अब वहाँ पर विकास हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विकास इनकी छत्र छाया में तो हमेशा विकास ही हुआ है, चौधरी साहब के, किसी पार्टी के इंडिविजुअल नहीं। जी जी, चौधरी साहब जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ पीछे पीछे हम भी चलते जाएंगे। आज जो भी उनके साथ में आए हैं सब यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय बिल्कुल सामने आप देख लीजिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बात हो रही है कि इस समय और कुछ नहीं शुरुआत की जाए, शुरुआत वो हो कि आखिरकार क्या बीजेपी के चेहरा, क्योंकि इस समय अगर कहीं ना कहीं ज्यादा जो एक
लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक लोगों के लीडर ने ये एक अच्छा फैसला लिया है। आप देख रहे हैं जन समूह, ये सब अपनी तरफ से आए हैं, हम लोग सब सुरेंद्र चौधरी के पीछे हैं। जहाँ सुरेंद्र चौधरी जी हमें इशारा करेंगे, हम उनके छाना बिछाना चलेंगे। यानी कि आम जनता ये बोलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इस समय भाजपा वर्षा जो है वो चल रहा है। एक और जहाँ पर बात ये हो रही है कि आम सुरेंद्र चौधरी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आम जनता जाएगी हम वही जाएंगे। वही आम जनता भी दशहरा की यही कहती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर सुरेंद्र चौधरी जाएंगे हम वही जाएंगे। जहाँ जहाँ सुरेंद्र चौधरी जाएंगे विकास उसी तरफ होता जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, बॉर्डर इलाके के लोग, बॉर्डर इलाके के सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनकी अगुवाई में इस समय बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ये बिल्कुल सामने आप देखिए यहाँ पर, और कौन कौन आने वाले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मिस्टर चुग भी आ रहे हैं, जो बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे सुरेंद्र चौधरी को। अब क्या पूरी वहाँ पर भी हम आपको पूरे का पूरा जो है विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। जब हमने नौशहरा का टूर किया था तो नौशहरा के लोग लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि विकास जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और अब बात ये हो रही है कि सुरेंद्र चौधरी जहाँ पर जाएंगे वहाँ विकास होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो किया है, अब किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, पूरी विजुअल्स, लाइव विजुअल्स आपको यहाँ से दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइनिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।